हेलो दोस्तों, मैं राजन आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेटस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग मोनोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे। सर क्लास पार्ट वन हमने पिछले क्लास में कर लिया था, जिसमें हमने बताया था कि मोनोलॉजी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका डिस्कशन हमने किया था फर्स्ट पार्ट में, मोनोलॉजी फर्स्ट पार्ट में। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे मोनोलॉजी का। और जो हमारे चैनल में न्यू आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है ए बी सी इज टू जेड बाई एक्स डायग्राम पर प्रदू सी पी ए, तो नेक्स्ट क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। और कैसे फॉलो क्या किया जा रहा है देखिए, ए बी सी उसका जेड बाई एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी सी का उल्टा करके लिख दिया सी पी ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्या बनेगा, एक्स वाई जेड, नेक्स्ट क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड, क्योंकि ए बी सी का उल्टा यहाँ लिखा गया है सी पी ए, इसलिए जेड वाई एक्स का भी उल्टा यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वाई एक्स वाई जेड, जो ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा गया है इसलिए हमें इसका भी उल्टा यहाँ पे लिख देंगे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का बोल रहा है कि बी वाई डी डब्ल्यू एफ यू एच एस ए जेड सी एक्स, तो नेक्स्ट क्या होगा कि रिलेशन कैसे, नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक दूसरे का अपोजिट दिया गया, B का अपोजिट Y, D का अपोजिट W, F का अपोजिट U, H का अपोजिट S, A का अपोजिट Z, C का अपोजिट X। हमने अपोजिट कर लिए थे सीरीज में, हमने अपोजिट करवाया था, वो आपको याद रखने होंगे इसमें वर्ड प्रॉब्लम में। जहां जहां वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा अपोजिट को याद रखना बहुत जरूरी है, अपोजिट और प्लेस वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या लगा इसका अपोजिट, और देखिए ऑप्शन कहाँ अपोजिट दिया हुआ है, E का अपोजिट क्या आता है V, जी का अपोजिट क्या आता है T। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, वी का एफ का यू होता है, जी का टी ए सही है, लेकिन ये ऑप्शन जाएगा गलत हो जाएगा, ई का जी होता नहीं है, एफ का भी जी नहीं होता, ऑप्शन ए क्या जाएगा सही हो जाएगा, ई का अपोजिट वी, जी का अपोजिट टी, अपोजिट वाला प्रोसेस चल रहा था इसलिए क्या हो गया नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपोजिट का ही प्रोसेस फॉलो करेंगे नेक्स्ट में भी। ये दो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। हम लोग लॉजिकल एनालॉजी देखते हैं, लॉजिकल किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बन भी नहीं यार, क्वेश्चन थ्री बोला चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी का संबंध किससे है, तो पृथ्वी का संबंध किससे हो जाए ग्रह से है, चंद्रमा क्या है एक उपग्रह है, पृथ्वी क्या है ग्रह, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चन रिलेशन में पूछे जाते हैं, संबंध में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैंने कुछ टाइप बताया था पिछले क्लास में, जो लोग पिछले क्लास वीडियो नहीं देखे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वीडियो आप जाके देख लीजिए, उसके बाद ही क्लास कीजिएगा। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एस एस जीडी में, मैंने सारा डिस्कस कर लिया था पहले वाले क्लास में, तो आप वो भी क्लास आप फॉलो क्लास देखो, उसके बाद ये क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज से चौथा क्वेश्चन, भविष्यवाणी भविष्य पछतावा का संबंध किससे होगा, भविष्यवाणी का संबंध किससे है भविष्य से होता है, तो पछतावा कब करते हैं, जो बीता हुआ बात कर लिया पछतावा करें, भूतकाल से संबंध किससे होगा भूतकाल से होगा, भूतकाल पिछले बात को याद करके तो पछताते हैं हम लोग, फिर क्या जाएगा भूतकाल हो जाएगा, भूत हो जाएगा इसका आंसर। आज की लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, फल का संबंध केला से, तो स्तनधारी का संबंध किससे होगा, फल क्या है केला क्या है फल है, तो गाय क्या जाएगा स्तनधारी है, गाय क्या है स्तनधारी है, तो
तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में एनालॉजी का। बेसिकली जो मैंने पिछले क्लास में इस क्लास जो क्वेश्चन पढ़ाया है बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन मतलब फर्स्ट वीडियो क्लास होता वो देख लीजिए, इस क्लास को देख लीजिए, दोनों ही क्लास से मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, जो सर ने बुक बताया है उस बुक को खोल के प्रैक्टिस कीजिए। जहां प्रॉब्लम उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे इस चीज को लेकर। इस चीज हमारा मेन फोकस है, उस पे हम और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं यदि ज्यादा सब्सक्राइब हो तब। इससे भी अच्छी अच्छी क्लासेस और प्रोवाइड किए जाएंगे, अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्वालिटी हुई, साइंस हुई, और क्लासेस भी आएंगे जब ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे तब। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।